वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं, यानी कि आपको पीरियड आने की डेट से 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो आप ये मान लेती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। कई बार आपका पहला बच्चा अभी दूध पी रहा होता है, अभी बहुत छोटा होता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको कैसे बचना है, कैसे आप अपने रुके हुए पीरियड कंटिन्यू कर सकती हैं, यही आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़, कुछ घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिनको अपना के या जिनको करके आप इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती हैं और आपके पीरियड दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं। तो कौन से हैं वो पांच घरेलू उपाय जिनको करके आप अपने पीरियड जल्दी या रुके हुए पीरियड तुरंत ला सकती हैं। सबसे पहले है, मेथी दाने को रात में भिगोकर रख दें, सुबह इसे उबालें जब तक कि पानी गाढ़ा ना हो जाए, छान कर इस पानी को पिए, पीरियड आपको जल्दी आ जाएंगे। चने के पानी को आपको इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए। ये होम रेमेडी आपको भी कम से कम कंटिन्यू रखनी है, या फिर तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक कि आपको पीरियड आ ना जाए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा उपाय, जो घरेलू उपाय आपको पीरियड जल्दी लाने के लिए करना है, वो है सुबह उठकर एक चम्मच हल्दी को गर्म पानी से लें। हल्दी आपके मिस्ड पीरियड को जल्दी वापस लाने में बेहद फ़ायदेमंद है। हल्दी काफ़ी गर्म होती है और एंटीबायोटिक भी होती है। आपको ये पानी हल्दी वाला जो है सुबह खाली पेट लेना है। कोशिश करें कि यूरिन जाने से पहले इस पानी को पिएं। इसको भी आप मिनिमम 15-20 दिन कंटिन्यू लें। वैसे ये एक हफ्ते में ही आपका अपना काम कर देती है। जो तीसरा घरेलू उपाय है वो है मसालेदार खाने का सेवन। जी हाँ, मसालेदार खाना खाने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। आपको एसिडिक फूड खाना है ज़्यादा, या तेज़ मसालेदार खाना। आपकी पीरियड साइकिल मसालेदार खाना कंटिन्यूसली खाने से नॉर्मल हो जाएगी। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर है जिनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं, जहाँ पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, या फिर कई सालों से या कई महीनों से रुके हुए पीरियड भी इससे दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा उपाय है, अदरक को पानी में उबालकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। इससे भी आपके पीरियड जल्दी आ जाएंगे। अदरक को इतना ज़्यादा उबालें कि अदरक का असर पानी के रंग में दिखने लग जाए। इस पानी को छान लीजिए और गुनगुना पीजिए। अदरक को इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए। इससे आपका अनचाहा गर्भ गिर जाएगा, या फिर रुके हुए पीरियड्स दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। इस उपाय को भी मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 15-20 दिन कंटिन्यूसली करें। इसका असर भी रिजल्ट के साथ बहुत ही अच्छा आता है। पांचवा जो घरेलू उपाय है वो है अनार। अनार के जूस में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीने से आपका मिस्ड पीरियड वापस आ जाता है। गुड़ अगर काले रंग का हो, यानी कि देसी गुड़ हो, तो वो जल्दी असर करता है। अनार का जूस आपको डिब्बे वाला नहीं लेना। घर पे अनार लाके घर पे जूस बनाएं, फ्रेश जूस बनाएं और उसमें काला गुड़, यानी कि देसी गुड़ डालें। इससे आपको रुके हुए पीरियड्स दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। ये थे 5 उपाय अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए, या फिर आपके रुके हुए पीरियड्स को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए।
हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमारे साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करने के लिए इंस्टाग्राम हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर पे हमें फॉलो करना ना भूलें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।